दीने नबी के वास्ते घर बार लुटाना, दीने नबी के वास्ते घर बार लुटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। इस्लाम की बका के लिए खून बहाना, इतने भोर में ऐसा कलाम सुनाना आसान नहीं है, नहीं। इसलिए मैं माजरत खा हूं कि आप जो मेरा स्टेटस है उस हिसाब से आप सुन नहीं पा रहे हो, और जैसे मैं बैठूं सारे लोग उठ जाओगे, ये भी मैं जानता हूं। इसलिए मतलब मैंने पढ़ लिया है, बस एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हुजूर मुफ्ती साहब की ला के आप चंद दुआया कलिमात समाप्त करेंगे, फिर सलाम को सलाम पढ़ेंगे। दीने नबी के वास्ते घर बार लुटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। इस्लाम की बका के लिए खून बहाना, एक आवाज़ हो आसान नहीं है। इस्लाम की बका के लिए खून बहाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। पानी का बंद कर, पानी का बंद करना अबस है, फजूल है। पानी का बंद करना अबस है, फजूल है। सब्र रज़ा तो आले नबी का उसूल है। शबीर बोले सुनूर से, शबीर बोले सुनूर से, सर मेरा झुकाना आसान नहीं है। मुफ्ती साहब का हुक्म है, इसलिए मैं हाजिर आया, वरना मैं अलग कैटेगरी का आदमी हूं। एक बार जो ना कह दिया तो ना कह दिया। अभी जो मैं कलाम पढ़ रहा था वो पढ़ ही देता हूँ, एक शेर और सुन लीजिए, उसके बाद मैं वो कलाम सुनाऊंगा। हुजूर मुफ्ती साहब किला तशरीफ रखते हैं, मैं वो कलाम सुना दूंगा जो आप लोग कह रहे हो। तलवार लेके हजरत अकबर निकल पड़े, कैसा हुसैनी है जी, कैसा हुसैनी है कि तेरे हाथ तक नहीं उठते, तो ये हाथ किस दिन के लिए बचा के रखा है? तू जो आले रसूल की मोहब्बत में हाथ नहीं उठा सकता, ये हाथ अगर खुदा ले ले तो कुछ कर लोगे? अजी 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 आजी 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 आठ साल से ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। कहाँ से आए? अच्छा, चाय दरगाह से आए हैं, माशाल्लाह। तो मैं आपके लिए एक शेर पढ़ूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करिए। अल्लाह सलामत रखे, बहुत देर से बैठे हैं। मैं मतला पढ़ देता हूँ, और मतला के बाद शेर हो गया, आगे शेर सुनाता हूँ, सुन लीजिए। तलवार लेके हजरत अकबर निकल पड़े, जितने सलामत हाथ हैं वो उठे, आज जिन्हें पल्स पोलियो का ड्रॉप की जरूरत है वो बताएं। तलवार लेके हजरत अकबर निकल पड़े, ऐसा लगा तलवार लेके हजरत अकबर निकल पड़े, ऐसा लगा के फतह है खैबर निकल पड़े, ऐसा लगा के फतह है खैबर निकल पड़े, ऐसा लगा के फतह है खैबर निकल पड़े।
दुश्मन ये बोला तन्हाई से जाके हराना आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह हू अकबर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, मसलके आला एक और शेर सुनाऊं? तैयार हैं? तो कहने दीजिए या हुसैन। अच्छा हजरत कह रहे हैं कि ये जो शेर मैंने पढ़ा एक बार और पढ़ दीजिए, तो हाथ उठाइए और कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन। तलवार लेके हजरत अकबर निकल पड़े, ऐसा लगा के फतह है खैबर निकल पड़े, ऐसा लगा के फतह है खैबर निकल पड़े। दुश्मन ये बोला तन्हाई से जाके हराना आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। अब जो शेर पढ़ता हूँ अगर हुसैनी हो तो खड़े होकर इस्तकबाल करना जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। फना क्या है, बका क्या है, ये मेरे हुसैन ने बता दिया। मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर हुसैनी तेवर है तो आप खड़े होकर इस्तकबाल करना इस शेर का जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जहरा का लाल ज़ैनब दिलगीर की तरह, जहरा का लाल ज़ैनब दिलगीर की तरह, यानी जनाब हजरत शबीर की तरह। अगर तैयारी मुकम्मल हो तो मैं शेर मुकम्मल करूं। मुकम्मल है तैयारी, मैं पढ़ता हूँ। जहरा का लाल ज़ैनब दिलगीर की तरह, यानी जनाब हजरत शबीर की तरह, नेज़े पे चढ़ के आयत कुरान सुनाना आसान। अल्लाह सलामत। एक बार और पढ़ने का हुक्म हो रहा है, मैं दोबारे पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। कह दीजिए या हुसैन, और जोर से या हुसैन। हाँ भाई मैं शायर बड़ा हूँ, तो मुझे पैसे भी बड़े दिया करो, 10 टकिया देके ठगा मत करो। कल मैं जहाँ उड़ीसा में था, 10 घंटे का सफर मैंने 6 घंटे में तय किया है। बहुत मुश्किलों भरा सफर था। उड़ीसा कहाँ, गांव कहाँ, मैं यहाँ तक आया तेजी तेजी में। बस एक शेर पढ़ना था, 5 मिनट खड़ा रहना था, तकरीबन 10,000 एक एक शेर में, और यहाँ 10 रुपया भी नहीं होता एक एक शेर में। लेकिन ये शिकायत नहीं कर रहा, ये बता रहा हूँ, जहाँ जो चीज मिलते हैं बताता हूँ। कल मैं बताऊंगा कहीं और कि हुजूर मुफ्ती साहब किबला उस्तादुल उलमा पीर तरीकत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने इस शेर को दोबारे सुना, ये फख्र से मैं कह सकूंगा। जो आलिम नहीं आलिम गर हो और मुझ जैसे तालिबे इल्म को कहे कि ये शेर दोबारे पढ़ दो, ये मेरे लिए फख्र की बात है, ये मेरे लिए एजाज की बात है। मोहब्बत से सारा मजमा आसान नहीं है, आसान नहीं है, सहरा का लाल ज़ैनब दिलगीर की तरह।
आवाज कम है, या तो उठ के चले जाओ या तो बोलना शुरू करो। दो में से एक काम करो। दिलबर शाही किसी की मोहताजी नहीं करता। मैं खुददार आदमी हूँ। बोल पाओ तो ठीक, ना बोल पाओ तो चले जाओ अपने घर को। मैं चार आदमी हो मगर हुसैनी हो, खुदा की कसम अकेले में रात भर पढ़ सकता हूँ। जी अल्लाह ने वो कलेजा दिया है, मैं अकेले रात भर पढ़ सकता हूँ। ये मेरे साबिर भाई बहुत परेशान थे, फलाना नहीं आया, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैंने कहा अकेला दिल भर काफी है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। जहरा का लाल ज़ैनब दिलगीर की तरह, यानी जनाब हजरत शबीर की तरह, नेज़े पे चढ़ के आयत कुरान सुनाना आसान नहीं है। की तरफ से मुझे इनाम मिल गए, मैं मुकद्दर का धनी हो गया। हमने इसीलिए ऊपर रखा हुआ है। हाँ भाई, हजरत का नाम ले लो तो जिन्नात भाग जाता है। नाम है काफी। कुछ दिनों बाद नारा लगेगा, उससे पहले आज ही लगा दो। हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, 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 खलीफ़े मुफ्ती आज़म हिंद, 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 उर्से तैयबे मिल्लत, 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 आसान नहीं है, आसान नहीं है। आपस ने जो फौज पे अलगार कर दिया। हमारे कारी साहब, कारी रफीक साहब, ये बगदाद शरीफ गए हैं, करबला शरीफ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मेरी भी हाजिरी हुई है। मैंने उस जगह को भी देखा है जहाँ पर हजरत अब्बास अलमबरदार ने हाथ में पानी, मस्कीजे में पानी लिया। आज भी एक पिलर नुमा बना हुआ है और ऐसे ये हाथ पकड़ा हुआ है। आज सरकार अब्बास अलमबरदार के रोजे पे जाएंगे, मस्कीजा लटका हुआ है ना। मैं शेर पढ़ता हूँ और दोबारे की तैयारी है। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर सरकारों ने चाहा तो फिर जाऊंगा। इंशाल्लाह हजरत की बारगाह में इंतजा है कि दुआ फरमा दें। मैं शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ सुनिए। आसान नहीं है, आसान नहीं है। आपस ने जो फौज पे अलगार कर दिया। अगर कलेजे में दम है तो सुन के बताना, मैं शेर पढ़ देता हूँ। आपस ने जो फौज पे अलगार कर दिया, पहरा यजीद वक्त का बेकार कर दिया, पहरा यजीद वक्त का बेकार कर दिया। बोले यजीदी इनका कदम पीछे हटाना आसान नहीं, आसान नहीं है, आसान नहीं है। दीने नबी पी वास्ते घर बार लुटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये हमारे मस्तान साहब चाय दरगाह से आए हैं। मैं एक मतला दो शेर सिर्फ पढ़ दूंगा, उसके बाद जो आपकी फरमाइश है मैं उसे पढ़ दूंगा। जरा एक बार मोहब्बत से कह लें सुभान अल्लाह। ये जो कलाम पढ़ने जा रहा हूँ बहुत बहुत फकीर लोग आजकल इससे बहुत फायदा उठा रहे हैं।
मैं रानीगंज के मेला में गया था, मैं फातिहा पढ़ के जैसे बाहर निकला तो एक वो ऐसे लकड़ी का बनाते ना उसमें बैठ करके, और उसमें जो है यही कलाम बजा रहे थे। मेरी बीवी ने कहा कि आप भी बगल में बैठ जाओ। मैंने कहा यार किसी का भला हो रहा है तो फिर अच्छा ही है ना। अब मुझे पूरे मेले में मास्क इतना सारा लगाने के बाद भी बोले आप दिलबर चाहिए, माफ कर दो, जाना मुश्किल है। मैं